इस हफ्ते हमारे पास एक और छोटा काफ आया है द्रमण से, जिसको कान के ऊपर इंजरी है। ऐसा था कि लोग उसको वहाँ पे रखने नहीं दे रहे थे, नॉट इवन फॉर कुछ देर के लिए भी नहीं रखने दे रहे थे। उन्होंने थोड़ा बेसिक ड्रेसिंग इसका किया 2-3 दिन, और उसके बाद वो खुद इसे यहाँ पर लेकर आए। और ये अभी इसका कान झड़ चुका है, बिकॉज मैगेट्स पूरा इसका कान खा चुके थे। सो अभी इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक और पेन किलर्स के थ्रू चल रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बॉडी शेम हर और एनीथिंग, लेकिन बेटी जी ना खा के मोटी हो गई है। बेटी, तुम्हारे मोटापे का राज तो बताओ ज़रा। कर्मा, अगर आपको याद होगा, इसे हम रेड से लेकर आए थे, इसकी वुंड तो हील हो गई थी और ये प्रेग्नेंट भी थी। तो अब 9 महीने से ऊपर हो गए इसकी प्रेगनेंसी को, लेकिन अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं जिसके बारे में डॉक्टर अंकित बताएंगे। काओ जो है बाहर रहती है, तो हमें नहीं पता होता कि वो किसके किस ब्रीड के थ्रू जो है मेट कर रही है, मेटिंग हो रही है उसकी। हमें ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा है इसका, वो इसके साइज से बड़ा है। अभी तो हम इंडक्शन प्रोटोकॉल जो होता है हॉर्मोन्स का, वो हम इस पर ट्राई करेंगे ताकि ये बच्चा डिलीवर कर पाए। अगर तब भी बच्चा डिलीवर नहीं होगा 1-1.5 दिनों में, तो उसके बाद हमें सिजेरियन के लिए जाना पड़ेगा। नवीन भैया खाना लेके जा रहे थे हमारे डॉग्स के लिए, किबल्स थे उसमें, और ये चूचू बेगैरत ने सारे गिरा दिए अपने बेनिफिट के लिए, और अब ये उठा के डॉग ट्रीट खा रहा है। क्या मुर्गा है यार ये। वर्क मोड ऑन, ज्योति लगे हैं अपने ट्रीटमेंट्स के बोर्ड को अपडेट करने के लिए। डॉक्टर हिमांशु वापस आ गए हैं, वेलकम बैक। तो हमारी टीम में से डॉक्टर हिमांशु, साहिल भाई और तुषार गए थे दीपाला जी के यहाँ पे रोडू में। हमारा एक कैंप था जिसमें इन्होंने 21 डॉग्स को न्यूटर किया। कितने डेज में? 3 डेज में। वाओ, ये लोग रोडू गए थे जहाँ पे खूब सारे सेब मिलते हैं, एप्रिकॉट्स मिलते हैं, पर हमारे लिए क्या आया? कुछ भी नहीं। इसी हफ्ते मगलोटी से एक और रेस्क्यू आया है, राजेंद्र जी इस छोटी सी किटन को लेके आए हमारे पास। इनको ये खेत में मिली थी, इसे कोई चोट नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये बिल्ली जंगली है, वाइल्ड कैट है, और ये थोड़ी सी अलग भी दिखती है। ऐसा लगता है कि छोटा सा कोई भालू पकड़ा है ज्योति ने। इस कैट को हमने इसलिए लिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ये जब उनको मिली थी तो उसके आसपास काफ़ी ढूंढने के बावजूद ना कोई और दूसरा बच्चा और ना इसकी माँ मिले, तो ये खुद से तो सर्वाइव नहीं कर सकती थी, और वो लोग इसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये काटती है थोड़ा तो, और खा भी नहीं रही थी वहाँ कुछ। सो जब तक ये थोड़ी हेल्दी नहीं हो जाती और बड़ी नहीं हो जाती, तब तक हम इसे यहाँ रखेंगे एंड देन हम इसे बाहर ही रिलीज़ करेंगे, क्योंकि ये अडॉप्शन के लिए नहीं होगी। ये वाइल्ड कैट है और ये किसी, ये पालतू नहीं हो सकती ना, सो हम बाहर ही रिलीज़ करेंगे। इसका टेम्परमेंट थोड़ा सा हटके है, हाँ, ये थोड़ी सी गुस्से वाली लग रही है, और हाँ, मतलब आई थिंक हमारी टीम को भी बीच बीच में इसने कहीं काटने की कोशिश की थी, तो जो इसको लेकर आए थे वो भी इससे हल्का सा डर रहे थे, हिचके जा रहे थे इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये बाइट करती है, और ऑब्वियसली हम इसे इसीलिए अडॉप्ट नहीं करवा सकते। तो ये थोड़ी सी अगर जब बड़ी होती है और बाहर सर्वाइव करने लायक हो जाती है, तो हम इसे रिलीज़ कर देंगे। मेरे साथ है प्रमिता जी, उनकी डॉटर, और मोहित जी है, और ब्रूनी है उनकी प्यारी सी पेट, और ये सभी आए धूप को अडॉप्ट करने के लिए। और हमें कुछ ही दिनों पहले पता चला कि ये फीमेल नहीं मेल है, सरप्राइज मिला है। तो फाइनली धूप का इंतजार भी खत्म हो गया और धूप को भी एक बहुत प्यारी सी फैमिली मिल गई, उसको एक अच्छा घर मिल गया। तो एक दिन आपने वीडियो डाला था शायद कि धूप आई है आपको रोड से, मिली है कहीं से, तो बोलता ना लव एट फर्स्ट साइड वाला जो सीन होता है, कि मैंने देखा कि अरे हमें तो यही कैट लेनी है, अभी लेने जाएंगे। मैंने पहले कभी धूप को क्रेट में इस तरह एंजॉय करते हुए तो नहीं देखा है। इसकी म्याऊं म्याऊं बंद ही नहीं होती थी पहले, है ना, बहुत रिलैक्स है, उसको बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था, उसको आना ही नहीं है। मैं आपसे ये चीज बोलना चाहती हूँ कि ये प्रमिता नहीं परमिता है। परमिता जी है, ओके सॉरी। आज चम्बी को भर भर के पीनट बटर फॉर डॉग्स मिल गया है, और आई थिंक इसकी आत्मा तृप्त हो गई है। है चम्बी, बताओ कैसा लगा तुम्हें? ही इज लाइक मैं निशब्द हो गया हूँ। ज्योति के हाथ में एक क्यूट सी किटन है, ये फीमेल है या मेल है? आई डोंट नो, ये बहुत ही ज्यादा, अभी हमें ये नहीं बताया तो अभी हम कुछ बता नहीं पाएंगे। कांगड़ा से विकास जी ने कॉल किया था, और इसकी जो माँ है वो काफी दिन से उनके घर पे ही रहती थी बाहर, और वो लोग खाना वाना डालते थे, लेकिन काफी दिन से आई नहीं थी, और बच्चे मतलब चलना शुरू कर चुके थे, एक दो बच्चों की डेथ हो गई। अब ये जो 2 लास्ट बचे थे खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते थे, और ये इतने छोटे थे कि वो भी इनका ध्यान नहीं रख पा रहे थे ठीक से, तो इसलिए हमने इन्हें यहाँ पे शिफ्ट करवा लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किशमिश सर्वाइव नहीं कर पाई,
किशमिश लगभग 7 or 8 days की होगी जब वो हमारे पास आई थी, और आने के पहले ही वो लगभग 2 बार काफ़ी ऊंचाई से गिर भी गई थी ना वो, तो वैसे ही बहुत कमज़ोर थे, माँ का दूध मिला नहीं था, सर्वाइवल के चांसेस थे भी नहीं उसके, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ आने के बाद ख़त्म हो गई। पृथ्वी एक डॉग था जो बनखंडी से हमारे पास आया था, उसकी वूंड्स काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी और उसकी स्किन कंडीशन भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन कल अचानक उसकी डेथ हो गई। मैंने उसकी ऑटोप्सी की तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है सामने आई वहाँ से, जैसे कि उसका यूरिनरी ब्लैडर काफ़ी डिस्टेंडेड था और जो है उसमें स्टोन्स थे, कैलकुलाए थे, और जिसकी वजह से वो ढंग से यूरिन पास नहीं कर पा रहा था, और उसमें जो है इसकी वजह से यूरेमिया जो एक कंडीशन है वो दिख रही थी, साथ में जो है उसके स्टमक में भी अल्सर नज़र आए हमें, और भी जो है उसकी जो ऑर्गन्स थे वो भी खासा ठीक नहीं थे, तो जनरली देखा जाए तो डेथ आज या कल में उसकी वो ही जानी थी। ये जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डॉग्स हों चाहे वो बड़े जानवर हैं, तो उनमें ऑर्गन्स डैमेज होने का रीज़न क्या होता है? एक्चुअली जो पेट्स होते हैं उनकी तो प्रॉपर केयर होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिलता है, उनको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो उनको डॉक्टर्स की जो है फैसिलिटी मिलती है, अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, लेकिन स्ट्रे के लिए कोई है नहीं, कोई इनको पूछता नहीं है, बेचारे जो खा पाते हैं जो मिलता है ना वो खा लेते हैं और ऐसे ही अपना जो है ये गुजारा कर रहे होते हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है अच्छी ट्रीटमेंट ना मिलना, टाइम से ट्रीटमेंट, टाइम से न्यूट्रिशन ना मिलना उनके ऑर्गन्स को और उनकी कंडीशन ख़राब करता चला जाता है, जिसकी वजह से जब तक ये हमारे पास केसेस आते हैं इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि हम उस वक्त ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। इसका एक रीज़न और भी होता है कि हम लोग जब कचरा डिस्पोज करते हैं तो हम बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ कूड़े में फेंक देते हैं, और जब जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो अपना खाना ढूंढने के लिए कूड़े के ढेर में यूजुअली जाते हैं, और फिर वो कुछ भी खा रहे हैं, कभी प्लास्टिक उनके अंदर जा रहा है, कभी उनके अंदर यू नो मेटल्स जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि उनकी तबीयत ख़राब होती है। ये बहनों का प्रेम, क्या बात है, वाह टोको। कल शाम को हमारे पास एक और रेस्क्यू आया, ये फीमेल डॉग है, ये आई है भाली से, राजू जी ने इसे भेजा है, किसी गाड़ी ने इसे मारा है, इसका जो पीछे वाला पैर है, इसका जो पॉ है वो पूरा क्रश्ड है। फिलहाल तो हम लोग इसका एंटीबायोटिक और पेन किलर कंटिन्यू करेंगे फॉर अ वीक, एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे का रिकवरी पॉसिबल है या फिर हमें भी इसे भी हमको एम्पलीफाई करना है। इस बच्ची का नाम है पटोला, और पटोला का मतलब होता है पंजाबी में खूबसूरत सी लड़की। पटोला आई थी बीड़ से, इसको कि कोई गाड़ी टक्कर मार गई थी और इसका पीछे का जो एक इसकी जो टांग थी वो फ्रैक्चर्ड थी और स्वेलिंग भी आ गई थी। प्रिंट हमने लगाया नहीं, मतलब हमने कॉटन लपेट के और उसके ऊपर टाइट उसको क्रैप बैंडेज से कर दिया, वो आज बैंडेजिंग होती है। ये है हमारा रेजिडेंट डॉग चंबी। चंबी चंबू बिल्कुल मेरे तरह है, ये सिर्फ आपके पास तभी जाएगा जब आपके पास खाना होता है, अदरवाइज इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं हूँ अभी समर के साथ। समर, अगर आपको याद होगी तो इसका पैर पूरी तरीके से क्रश था, किसी गाड़ी ने शायद इसे मारा था, तो हमें इसकी एम्पुटेशन सर्जरी करनी पड़ी, और अब ये एक ट्राईपॉड बन चुकी है, मतलब इसकी तीन ही टांगें हैं, बट ये इतनी ज़्यादा एक्टिव है। कम ऑन समर, और ये अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। अगर आप कोई ऐसा पेट चाह रहे हैं जिसमें एक डॉगी और एक रैबिट दोनों की ही खूबी हो, तो आप समर को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आधी डॉग है और आधी रैबिट। गो जंप, कम ऑन कम ऑन। ये देखिए ये रैबिट है, ऐसा लगता है मैसिव रैबिट भाग रहा है। मैं एनिमल एरिया आई और सैमसन मुझे बुला रहा था। हाय सैमसन, बिग बॉय बिग बॉय। सैमसन के लिए एक खुशी की बात ये है कि बहुत जल्दी, ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ते में, ये अडॉप्ट हो रहा है और ये जा रहा है मनाली की हसीन वादियों में। इसको विकी कौशल जी ने अडॉप्ट किया है जो मनाली में ही रहते हैं। उसकी जो जर्नी है लाइफ की उनको वो बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने मुझे ये बताया कि वो एक कनेक्शन फील करते हैं सैमसन से, तो वो चाहते हैं कि सैमसन को एक घर मिले। सुबह सुबह नवीन भैया और मैं, हम लोग एनिमल एरिया आते हैं। मैं पपीज़ को और किटन्स को फीड करती हूँ, नवीन भैया बाकी हमारे सारे लार्ज एनिमल्स को खाना खिलाते हैं जो उनका ब्रेकफास्ट होता है। तो नवीन भैया और मैं कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना हो सके डॉग्स को डिस्टर्ब ना करें, किसी भी एनिमल को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो सुबह सुबह बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं। ये हमारा मेंढक है जो न्यूज़ सुन रहा है, ये हमारी जून न्यूज़ सुनते हुए।
और ये हमारी मैक्सी। प्रतीक भाई कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। ये हमारी दराटी है। हाँ। तो ये सब लोग यूज कर लेते हैं, ऐसे एनिमल एरिया में भी कभी यूज कर लेते हैं घास काटने के लिए। तो मैं इस पे लिख रहा हूँ फार्मिंग, खेती, किसानी, ताकि कोई यूज नहीं करे इसको। अगर आपको मैक्सी याद होगी, मैक्सी हमारे पास शाहपुर से आई थी, इसको स्किन इन्फेक्शन था। ये कुछ दिन कल्पना जी के यहाँ गई थी फॉस्टर होने के लिए, अब ये वापस आ गई यहीं पे और यहाँ पे इसका इलाज जारी रहेगा और उसके बाद हम इसकी स्पेस सर्जरी भी करेंगे। वेलकम बैक मैक्सी। आपको बेल याद होगी, उसको रेक्टल और वजाइनल प्रोलैप्स था। उसका जो प्रोलैप्स था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन कर रही थी, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा रहा था, तो हमको उसको ऑपरेट करना पड़ा था ना। और हमने स्टिचेस लगाए थे, लेकिन अंदर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो स्ट्रेनिंग की वजह से वो बर्स्ट भी हो गया उसका प्रोलैप्स अंदर, और इन्फेक्शन फैल रहा था। और तीन चार दिन से उसने खाना बंद कर दिया था, फिर भी हम लोग उसको बनानास वगैरह दे रहे थे, लेकिन आज सुबह हमें कॉल आया कि वो बिल्कुल भी कुछ खा नहीं रही है और बहुत ज़्यादा वीक है। तो हम जब फ्लूइड लगाने के लिए आए तब तक वो मर चुकी थी। मेरे साथ है ज्योति और उनकी प्यारी सी किटन उजाला। तो ज्योति तो आपको पता है कि वो हमारी एनिमल वेलफेयर मैनेजर है। जब भी कोई छोटी किटन या पपीज़ आते हैं, तो क्योंकि हमारे पास जगह की कमी हो गई है, हमारे पास बहुत सारे पपीज़ हो गए, तो इसलिए ज्योति पहले अपने घर में उसको फॉस्टर करती है थोड़े दिन, और उसके बाद हम उसे क्लिनिक में शिफ्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी माँ की डेथ हो गई थी, और जिस टाइम उसको बरी कर रहे थे ये वहीं पे थी, और कुछ डॉग्स इसके पीछे पड़ गए थे, तो वो दो बच्चों ने इसको बचाया। वो दोनों को चोट भी आई इसको बचाते हुए, लेकिन वो लोग इसे तुरंत यहाँ लेकर आए, एंड ये फिर हमने इसको यहाँ पे रख लिया, क्योंकि ये अकेले तो सरवाइव नहीं कर पाती। सो उसके बाद से, जब से मैं इसे फॉस्टर कर रही हूँ, तब से ये मेरे पास ही है, एंड आई डिसाइडेड कि मैं इसे अडॉप्ट करूँगी, बिकॉज अटैचमेंट हो गया एक तरीके का इससे मेरा। ये मुझे लगता है डे वन से वैसे तुम्हारे कंधे भी चढ़ी हुई थी और अभी भी वही है इसका। हाँ, हमारे पास किटन्स की भरमार हो गई है। आप चाहें तो आप भी एक अडॉप्शन फॉर्म भर सकते हैं, peoplefarm.org/adopt।